वेलकम फ्रेंड्स, आज बात करेंगे शरीर में बिलीरुबिन कितना होता है, नॉर्मल कितना होना चाहिए। आप जब भी लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, लीवर की जांच कराएंगे या केवल बिलीरुबिन की जांच कराएंगे, तो ब्लड टेस्ट मिलेगा जिसमें टोटल बिलीरुबिन लिखा रहता है, फिर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। कुछ रिपोर्ट में टोटल बिलीरुबिन जो डायरेक्ट है उसको कॉन्जुगेटेड बोल देते हैं, जो इनडायरेक्ट है उसको अनकॉन्जुगेटेड बोल देते हैं। तो जो टोटल बिलीरुबिन होना चाहिए वो 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। मतलब कि बिलीरुबिन शरीर में रोज बनता है और ब्लड में होता भी है, लेकिन एक लिमिट में होता है। अब बिलीरुबिन का कम हो जाना, 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाना, इसका क्लिनिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये कोई बीमारी में ऐसा हो जाता है ऐसा नहीं है, तो कम होने का कोई मतलब नहीं है। बिलीरुबिन का बढ़ जाना 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाना, ये सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है? बिलीरुबिन का बढ़ जाना काफ़ी सारी बीमारियों का संकेत मात्र है। बिलीरुबिन का बढ़ना ये बीमारियों का संकेत है, ना कि कोई बीमारी है। तो ये लक्षण में आता है। अब बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, लीवर के अंदर समस्या हो सकती है, लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, एल्कोहलिक लीवर डिसऑर्डर हो सकता है, लीवर को खून की सप्लाई अच्छे से नहीं मिली, लीवर को कैंसर हो गया है लीवर के अंदर, और भी तरह की जो टॉक्सिन है, ड्रग का इफेक्ट है, उसके कारण से हो सकता है बिलीरुबिन बढ़ गया है। इसके अलावा लीवर से आंत के बीच में जो रास्ता होता है, कॉमन बाइल डक्ट होती है, हिपेटिक डक्ट है, पेंक्रियाटिक डक्ट है, पेंक्रियाज है, उस रास्ते में गड़बड़ होने से भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि लीवर के अंदर समस्या है, लीवर से आंत के बीच में जो रास्ता है उसमें दिक्कत हो जाए तो बिलीरुबिन बढ़ सकता है। और खून अगर टूटता है, हीमोलिटिक एनीमिया होती है, आरबीसी टूटते हैं, जैसे कि ड्रग के कारण टूट सकते हैं, टॉक्सिन के कारण, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, उस केसेस में बिलीरुबिन बढ़ सकता है। तो 1.2 मिलीग्राम से अगर ऊपर जा रहा है तो हाइपर बिलीरुबिनीमिया है। और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो ज़्यादा जो शरीर में बिलीरुबिन नॉर्मल कंडीशन में रहता है वो सारा इनडायरेक्ट रहता है, डायरेक्ट बिलीरुबिन बहुत कम होता है। डायरेक्ट मतलब कि लीवर ने बिलीरुबिन को ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट कर दिया, बांध दिया है, अब वो वाटर सॉल्युबल है, अब वो किडनी और आंत से निकल जाएगा, स्टूल यूरिन से निकल जाएगा। इसका मतलब एक डायरेक्ट बिलीरुबिन जो होता है टोटल बिलीरुबिन का लेस देन 20% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो इनडायरेक्ट वाला फॉर्म है इसका मतलब है कि लीवर ने अभी उसको कॉन्जुगेट नहीं किया है ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ, तो वो ब्लड में घूमता रहता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ये मतलब होता है। उससे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बीमारियों के बारे में संकेत मिलता है कि कौन सी बीमारी हो सकती है, किस तरह की बीमारी के कारण ये पीलिया हुआ है या जॉन्डिस हुआ है। बहरहाल जो टोटल बिलीरुबिन है वो 0.2 मिलीग्राम से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है। अगर किसी का बढ़ता है, जैसे कि 2 मिलीग्राम हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो उस केसेस में उनको तुरंत जांच करानी है। लीवर फंक्शन टेस्ट है, प्रोटीन की जांच है, पीटी, आईएनआर, सीबीसी की जांच है, अल्कलाइन फास्फेटेज है, पेट की सोनोग्राफी करवानी है, रास्ते के बारे में देखना है कि रास्ता पैंक्रियाज ठीक है, गाल ब्लडर ठीक है, उसका रास्ता ठीक है, सीबीसी की जांच से खून के बारे में पता चलेगा। तो मतलब ये एक तरह का संकेत है बिलीरुबिन का बढ़ना, मतलब शरीर के अंदर कोई बीमारी हो सकती है। तो ये नॉर्मल वैल्यू हुई। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी बारे में जैसे कि मैंने बताया कि आपको रेंज मिलती है, ज़्यादातर केस में इनडायरेक्ट होना चाहिए। अगर कुछ बढ़ता है या कम होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रोपोर्शन, तो उससे हम लोग समझते हैं कि किस तरह की ये बीमारी हो सकती है। जैसे कि अगर इनडायरेक्ट बढ़ रहा है तो आरबीसी टूट रहा है, हीमोलिटिक एनीमिया है, और डायरेक्ट अगर बढ़ रहा है तो रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कोई स्टोन फंस गया, स्ट्रक्चर हो गया, कोई ग्रोथ आ गई, कोई मांस आ गया, इस तरह से हो सकता है। लीवर के अंदर अगर दिक्कत होती है तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बढ़ जाता है। तो ये बिलीरुबिन की नॉर्मल मात्रा के बारे में जानकारी थी। थैंक